आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो, क्लास 12 मैथमेटिक्स की बैच चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी पाठ को देख ले, आपका जो है कि क्लास 12 मैथ की संपूर्ण पढ़ाई हो जाएगी। आप लोग पार्ट एक से देखें, आपको सीरियली और शुरुआत से मैथमेटिक्स का सभी चैप्टर का जो है थ्योरी और एक्सरसाइज का सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि हम चैप्टर एक से शुरुआत कर चुके हैं तो आपको सभी एक के बाद दो का मिलेगा, दो के बाद तीन का मिलेगा, यानी आपको संपूर्ण मैथ्स की थ्योरी और एक्सरसाइज का सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप लोग रोज देखते हैं तो आपका एक भी क्लास मिस नहीं होगा और आपको कहीं पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में, वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, इनको हम क्या कहते हैं, एकेटी फलन। इसका हिंदी क्या हो गया, देखो वन वन, वन मतलब क्या होता है, एक एक, समझ गया ना, एक जोर एक क्या हो गया, एक 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 ही का, देखो एक एक का विशेषण क्या होता है, एक ही है होता है जी, जैसे वन वन हुआ ना, यानी एक जोर एक मतलब एक एक, एक एक का विशेषण क्या होता है, एक एक ही होता है। तो देखो ये परिभाषा इस प्रकार से है कि ए फंक्शन एफ सच डेट ए टू बी, समझ गया ना, एफ जो है ए से बी में एक क्या है, फलन है। और देखो इज सेट टू बी वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, ये एक एक ही फलन किए जाते हैं, समझ गया ना, एक एक ही फलन किए जाते हैं। इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, देखो डिस्टिंक्ट मतलब क्या हो गया, भिन्न, समझ गया ना, एलिमेंट्स मतलब क्या हो गया, अवयव, सेट के अंदर में जो भी अवयव रहते हैं, एलिमेंट मौजूद रहते हैं। ऑफ ए मतलब ए के भिन्न भिन्न अवयवों, हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, तो ए के भिन्न भिन्न अवयवों का बी में क्या हो, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, समझ गया ना। डेट इज इफ एंड ओनली इफ, देखो अर्थात यदि और केवल यदि, इफ ये तो ये हो चुका है, एक्स वन डज नॉट इक्वल टू एक्स टू, कह रहा है यदि एक्स वन और एक्स टू आपस में बराबर नहीं हो, एक्स वन और एक्स टू आपस में बराबर नहीं हो, तब जो है आपको एफ एक्स वन और एफ एक्स टू का भी मान आपस में बराबर नहीं होगा। यदि एक्स वन और एक्स टू आपस में बराबर नहीं हो, समझ गया ना, तो आपको एफ एक्स वन और एफ एक्स टू का मान बराबर नहीं होगा। ये बराबर तब ही होगा जब एक्स वन एक्स टू क्या हो, एक ही चीज हो, दूसरा नहीं हो। तो देखो ऐसा आपको जो है ए के सभी एलिमेंट के लिए होता है, ऐसा नहीं कि मान के चलो कि हम एक्स वन एक्स टू लिए तो सिर्फ इसी के लिए होगा, यानी उस सेट के अंदर, ये तो दो मान लेके हम समझाए हैं ना जी, मानी उस सेट के अंदर में जितने भी एलिमेंट रहेंगे सबका लेके क्या करेगा, चेक करेगा ना, क्योंकि फलन का परिभाषा ही है कि ए के सभी अवयव का पद्वितीय प्रतिबिंब किसमें हो, बी में हो, है ना जी, तो सभी ना, इसलिए इसमें क्या लिख देते हैं, फोर ऑल। उसके बाद देखो और इक्विवेलेंटली एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, कह रहा है कि यदि इसी के संगत, देखो अगर एफ एक्स वन किसके बराबर हो, एफ एक्स टू के बराबर हो, यानी एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर, यानी एफ एक्स वन का जो मान आएगा वही मान किसका आता है, एफ एक्स टू के मान आता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक्स वन और एक्स टू क्या है, बराबर है, यानी दूसरा नहीं है, फलन में होता है ना जी, यानी एफ वन से क्या दो मान प्राप्त कर सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता है, एक करता है, कल बताए थे ना, कभी कर ही नहीं सकता है। देखो इसका अर्थ क्या हो गया, जैसे मान के चलो कि फलन इस प्रकार से परिभाषित है, एफ एक्स बराबर क्या हो गया एक्स, तो हम क्या ले लेते हैं, दो ले लेते हैं ना जी, हम क्या ले लिए, दो बराबर दो, तो क्या होगा, दो होगा ना, हम क्या ले लेते हैं, फिर दो ले लेते हैं, तो क्या प्राप्त होगा आपको, दो ये प्राप्त कि तीन प्राप्त हो जाएगा, दो प्राप्त होगा कि तीन प्राप्त होगा, दो होगा ना। तो कहने का अर्थ हो गया कि ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर हम ले लेते हैं एफ एक्स वन और एक्स वन का मान हम क्या ले लिए हैं, वन, दो देखो एफ एक्स वन, यहाँ पर एक्स वन का हम मान क्या ले लिए, दो,
एफ एक्स वन का मान क्या निकल के आया? दो निकला। दो निकला ना? अगर हम यहाँ पर ले ले कि एक्स टू का मान दो है, एफ एक्स टू का मान दो है, तो फाइनली एक्स टू का मान क्या होगा? एफ एक्स वन के बराबर होगा, दो होगा ना जी सर। दो यदि आपको देखो एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स है ना, तो एक्स वन बराबर हम क्या मान लिए है, दो मान लिए, एक्स वन बराबर क्या मान लिए, दो। तो हम एक्स वन ले लिए, तो एक्स वन का मान क्या माने हैं, दो दो माने हैं ना। तो देखो एक्स वन की जगह क्या रख दोगे, दो, दो।, दो।, दो। अब देखो फलन कैसे परिभाषित है, तो एफ एक्स बराबर एक्स, फलन किस प्रकार से परिभाषित है, एफ एक्स बराबर एक्स, यानी यहाँ पर अगर दो रहेगा तो यहाँ पर दो होगा, और यहाँ पर दो रखेगा तो यहाँ पर दो हो गया ना जी, नहीं होगा। मतलब एक्स का मान देखो ये जो है ना एक्स वन, यहाँ पर एक्स वन कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं, एक्स वन का मान क्या मान चुके हैं, दो। ये यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो गया, दो हो गया ना। हम कहते हैं कि एफ एक्स टू का भी मान दो है, एफ एक्स टू का भी मान दो है। इसका अर्थ ये हो गया कि जो एक्स टू जो है इसका मान क्या होगा, दो होगा, दो होगा ना जी। एक्स टू का मान क्या होगा, दो, दूसरा मान नहीं है। तो बोलो इस प्रकार से आप क्या पाते हो कि एक्स टू का भी मान क्या है, दो, दो ही ना जी। तो देखो एक्स वन का मान दो, एक्स टू का मान दो, तो बोलो एक्स वन बराबर क्या होगा, एक्स टू क्या होगा, एक्स वन बराबर क्या होगा, एक्स टू बराबर है, समझ गया ना। अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो उसके फलन का मान जो बराबर होगा ही नहीं। देखो बराबर नहीं होगा सर, बराबर कर देंगे। हाँ बराबर नहीं होगा तो मान के चलो कि वन वन फंक्शन नहीं होगा, बराबर नहीं होगा तो वन वन फंक्शन नहीं होगा। हेगू जो दिया सर उसमें उसमें तो बराबर नहीं है। नहीं तो ये देखो ये कह रहा है कि एलिमेंट जब बराबर नहीं है तो इसके फलन का भी मान न बराबर है, कौन को उल्टा के पकड़ो की उल्टा के पकड़ो। इसका अर्थ क्या हो गया जानते हो, यदि दो एलिमेंट हम ले रहे हैं किसी सेट का, दो एलिमेंट किसी सेट का ले रहे हैं, जैसे मान के चलो कि वन और टू ले लिए, आपको सेट ए में क्या है वन और टू एलिमेंट है, और फलन इस प्रकार से परिभाषित है एफ एक्स बराबर क्या हो गया आपको, एक्स, एफ एक्स वन बराबर क्या हो गया, एक्स हो गया ना। तो बोलो एफ वन लेगा तो क्या प्राप्त होगा, वन वन प्राप्त होगा। एफ टू लेगा तो क्या प्राप्त होगा, टू प्राप्त हुआ ना जी। तो क्या देखते हो कि यदि एक्स वन बराबर हम मान ले क्या वन, एक्स टू बराबर हम मान ले टू, एक्स वन बराबर हम क्या मान लेते हैं वन, एक्स टू बराबर हम क्या मान लेते हैं दो। तो बोलो एफ वन का मान क्या प्राप्त हुआ है आपको, वन। एफ टू का मान क्या प्राप्त हुआ, दो है ना जी। तो एफ वन के बराबर जो है एफ दो है, एफ वन के बराबर दो है। अब देखो एफ वन को हम क्या लिखे हैं, देखो ये जो वन है इसको हम क्या माने हैं, एक्स वन माने हैं जी। तो वन की जगह हम क्या रख सकते हैं, एक्स वन। ये आपको कट्टो का साइन हो गया, डज नॉट इक्वल टू, ये यहाँ पर क्या रखोगे एक्स टू, क्यों दो की जगह एक्स टू रखे, दो की जगह क्यों रखे, एक्स टू का मान ये यहाँ देखो दो का मान क्या है, है ना, माने है ना। तो इसलिए दो की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स टू रखेंगे ना। तो देखो ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि एक्स वन जो है एक्स टू के बराबर नहीं है। तो कहने का अर्थ हो गया कि यदि दोनों एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है तो उसके फलन का मान भी बराबर नहीं होगा, समझ गया ना। ये रोटी के मुंह की तरह है ये जो बात है, यानी इसका अर्थ हो गया कि एक्स वन एक्स टू के बराबर नहीं है, एक्स वन एक्स टू के बराबर नहीं है, तो उसके फलन का भी मान बराबर नहीं होगा, समझ गया ना। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि और इक्विवेलेंटली एफ एक्स वन और एफ एक्स टू आपस में बराबर है, एफ उसके फलन का मान क्या है बराबर है, बराबर है, एक ही चीज हुआ घुमा फिरा के दिया है, समझ गया ना। यानी एफ एक्स वन और एफ एक्स टू का मान क्या है, बराबर, बराबर है।
तो इसका अर्थ हो गया कि एक्स वन और एक्स टू आपस में क्या है बराबर, समझ गया ना। देखो बात है क्या, यदि एक्स वन एक्स टू बराबर नहीं है तो फलन का मान बराबर नहीं होगा। यदि फलन का मान बराबर है तो एक्स वन और एक्स टू क्या है आपस में बराबर है ना। यदि यहीं पर एक्स वन और एक्स टू बराबर हो जाता तो क्या फलन का मान बराबर नहीं होता। ये बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि एलिमेंट का मान बराबर बराबर नहीं है, समझ गया ना। एलिमेंट का मान बराबर नहीं है तो इसलिए ना फलन का मान बराबर नहीं हुआ। जी सर। देखो ये वन और यहाँ पर क्या है टू है, तो वन और टू बराबर नहीं है। एस वन एस टू का एक चीज ये भी बोल सकते हैं, मतलब पूरी तरह से तोड़ के तुमको समझा देते हैं कि ताप कहीं भी जो है ना किसी प्रकार के एग्जांपल में अटको नहीं। तो देखो समझ चुका है इसके सिंबल मैथमेटिकल सिंबोलिक फॉर्म को। कौन से एंड ओनली ये तुमको इंग्लिश में हो रहा है पढ़ने के लिए ये पड़ेगा ना एक्स वन एक्स टू बराबर नहीं है, इम्प्लाइज होता है एफ एक्स वन डज नॉट इक्वल टू। तुम इंग्लिश में नहीं जानता है ना तो तुम पड़ेगा कि एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर नहीं है। अब सोल मतलब क्या हो गया, सभी सभी के लिए, सभी उसको सभी के लिए बोला। हाँ सभी के लिए फॉर ऑल होता है सभी के लिए। तो देखो सभी के लिए x1 x2 बिलोंग्स टू a, मतलब एक के जितने भी एलिमेंट रहे होगा सभी एलिमेंट के लिए सबका सदस्य होगा, सबका सदस्य होगा ये सेट है। x1 x2 क्या है सदस्य है, यानी अभी तो दुइये को लिए है x1 x2। अब तुम सेट a में दुइये को एलिमेंट होगा और एलिमेंट हो सकता है जी, x1 x2 x3 x4 एम तक न जाएगा जा सकता है। तो मतलब अगर हम दो को एलिमेंट है तो दोनों एलिमेंट, समझ गया ना। अगर तीन को एलिमेंट है तो तीन को एलिमेंट के लिए भी चेक करेगा, चार को है तो चार के लिए। फॉर ऑल मतलब क्या, यानी सेट ए में जितने एलिमेंट है सभी के लिए, यानी दो को एलिमेंट है तो दो को के लिए, तीन को है तो तीन को के लिए, चार को है तो, इसलिए ना फॉर ऑल लगा देते हैं सभी के लिए। ऐसा नहीं कि दुइये को एलिमेंट लिए तो दुइये को जो उसके छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है, सभी के लिए होता है। सेटे में जितना एलिमेंट होगा सेटे में जितने भी एलिमेंट रहेंगे। तो ये आपको वन वन फंक्शन का क्या था डेफिनेशन ना था जी, एक का एक। अब देखो इनका जो है एस डेफिनेशन लिख लिया था, यानी ए के भिन्न भिन्न अवयव का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी देखो वन वन एक एक, यानी एक का एक, एक एलिमेंट का क्या हो एक प्रतिबिंब, एक एलिमेंट का क्या हो एक प्रतिबिंब, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एक कहते हैं जी। अब चलो हम फिगर के माध्यम से इनको सही तरीके से हम समझते हैं। फिलहाल को कपड़ा परिभाषा को मिटा। देखो एग्जांपल में जैसे दो सेट ए और बी ले लिए, ए और बी क्या है सेट है, ए और बी क्या है दो सेट है। सेट ए में देखो एक्स वाई और जेड एलिमेंट है। सेट ए में कितने एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, ये हो गया ये बी ये सी हो गया। देखो एक्स ए से संबंधित हो वाई बी से देखो जेड किससे संबंधित है सी से है ना जी। तो देखो एक एलिमेंट का क्या हो गया एक प्रतिबिंब बना, एक प्रतिबिंब समझ गया ना। तो एक का एक यानी एक एलिमेंट का एक इमेज क्या हो बी में हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं क्या हो गया वन वन सर जी फंक्शन उतारो। देखो अगर एक्स का मान हाँ बी में जाता तब ये एकीकरण नहीं होता, जैसे एक एलिमेंट दो को एक्स का तब नहीं होता। देखो अगर एक्स का दो को प्रतिबिंब होगा तो सबसे पहले फलन नहीं होगा, फलन नहीं होगा। देखो ये लड़का अरे तू चौपट कर भी रे, फलन के इतने बढ़िया से डिफाइंड कर लिए, यानी एक के जो छे क्या लिखा है एक ये सभी एलिमेंट का अद्वितीय प्रतिबिंब, यानी ए में जो एगो एलिमेंट रहते है ना वो दूगो इमेज नहीं बने थे,
एगो में ये में एगो एलिमेंट रहते ना दो गो इमेज नहीं बना सकते हैं, इसलिए वो अद्वितीय उसी को न कहते हैं जी, जी। यानी दो एलिमेंट का एक प्रतिबिंब हो सकता है, दो गो एलिमेंट का एगो प्रतिबिंब होगा लेकिन एगो एलिमेंट का दो गो प्रतिबिंब नहीं होगा। यही ना वन वन फंक्शन है, यही ना आपको फंक्शन है जी। यानी दो गो एलिमेंट का जो है एक इमेज हो सकता है लेकिन एक इमेज का दो प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। देखो यानी आपको जैसे x ये बनाया तो y भी ये नहीं बना सकता है, तभी ना वन वन हम नहीं कहेंगे, नहीं बनाए तभी ना हम वन वन कहेंगे जी, अगर बना दिया तो वन वन हम नहीं कहेंगे। तभी सभी फलन होगा ना, कौन हाँ अगर मान के चलो कि y का इमेज ये भी है तो भी क्या होगा, ये होगा समझ गया, तब y पुनः b से नहीं जुड़ा होना चाहिए, यस सर, तब दूसरा एलिमेंट समझ गया ना। तो इनको उतार लीजिए, अच्छा वन वन फंक्शन को समझने में दिक्कत भी है, ये एग्जांपल लेते हैं, बोलो तो ये वन वन होगा, जैसे 2-2 ये 4, ये 4 ले लेते हैं, ये 16 ले लेते हैं, होगा ये वन वन फंक्शन होगा नहीं होगा, नहीं होगा, हम बोल रहे ना होगा नहीं होगा, वन वन फलन होगा, फलन हो सकता, देखो फलन होगा वन वन होगा, वन 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 मतलब वन वन मतलब क्या, एक का एक प्रतिबिंब बना, साधारण रूप से भी देख भी तो एक के एक है, एक के एक नहीं समझे थी, वन वन मतलब क्या हो गया, एक का एक, एक का एक है, दो का नहीं एक हो गया, दो का नहीं एक हो गया जी, एक का एक है, तो ये आपको वन वन फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन को किस नाम से हम पुकारते हैं बोलो, उसका और नाम क्या है, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव समझ गया ना, वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, समझ चुका है, इनको छाप लीजिए,